नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlllntop.com। 28 सितंबर की जिस सुबह रोहित शर्मा पर सबकी नजर थी, उस समय मैदान वो आदमी मार रहा था जिसकी जगह रोहित को टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग स्पॉट मिलता दिख रहा है, केएल राहुल। रोहित साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में ओपन करने उतरे। लोग उम्मीद लगाए थे कि रोहित इसमें कुछ कमाल करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस से फिर 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे टेस्ट मैच में भारत के लिए ओपन करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोहित जीरो पर निकल लिए, मात्र 2 गेंदे खेल पाए। दूसरी तरफ एक और मैच बेंगलुरु में चल रहा था, कर्नाटक वर्सेस केरल, विजय हजारे ट्रॉफी। कर्नाटक की तरफ से यहां ओपन करने उतरे केएल राहुल और शतक जड़ डाला। विजय हजारे के इस मैच में केरल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। केएल राहुल और डी पडिक्कल कर्नाटक के लिए ओपन करने आए। पडिक्कल तो नहीं टिके, मगर राहुल जम के खड़े हो गए, जैसे उन्हें किसी को दिखाना था, कुछ साबित करना था। 50 ओवरों में टीम ने 294 रन बनाए। इसमें राहुल के अकेले 131 रन थे 122 गेंदों में, 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से। उनके अलावा सिर्फ मनीष पांडे 50 रन बना सके, बाकी कोई खास नहीं चला। राहुल की ये सेंचुरी इस लिहाज से भी बड़ी है कि उन्हें ताज़ा ताज़ा टीम से बाहर निकाला गया है। पिछले कई महीनों से वो टीम इंडिया के लिए वैसे भी कुछ खास नहीं कर सके थे, वेस्ट इंडीज टूर पर भी फेल रहे। इन सब चीज़ों का प्रेशर उन पर रहा होगा, बावजूद इसके राहुल चले, बताया कि उनमें भी बहुत क्रिकेट बाकी है। वही रोहित की बात करें तो प्रेशर उन पर भी रहा होगा। टेस्ट में टीम इंडिया के लिए उन्होंने कभी भी ओपन नहीं किया है, शायद इसीलिए वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर वापस लौट गए। खैर, रोहित के इस जीरो को भूल हमें युवराज सिंह के ताज़ा इंटरव्यू को याद रखना चाहिए। यूवी ने कहा था कि रोहित को कम से कम 6 टेस्ट मैच बिना टोक के मौका देना चाहिए, फिर वो फेल होते हैं तो उनको कुछ बोलना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कोच रवि शास्त्री ने भी यही कहा है कि रोहित एक मैच विनर है, हम उन्हें पूरा मौका देंगे। तो अब गेंद रोहित के ही पाले में है। वैसे भी जिस तरह ओपनिंग स्पॉट के लिए राहुल ने एक बार फिर से दावेदारी ठोकी है, रोहित के लिए चैलेंज और बढ़ गया है। तो शर्मा जी के बेटे को हर हाल में अब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना टेस्ट में ओपनिंग की लाइन लंबी होती जा रही है, ऐसा मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिलने वाला। आपका टेस्ट में ओपनिंग स्पॉट के लिए शुरू हुई इस टक्कर पर क्या सोचना है, किसे आप टेस्ट में बतौर ओपनर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड करना ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहां भी हमें फॉलो करें। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।